हाउ कैन यू इन्वेस्ट बेटर? किसी की कहने पे कोई स्टॉक खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे 25 साल पहले जब निफ्टी का इजाद हुआ था, जब निफ्टी बनी थी, तो एक्सपेंस रेशियो हर रोज आपके अकाउंट से कट रहा है। ठीक है, सो एग्जांपल, अगर रोज हर रोज कट रहा है, ये डेटा की रिपोर्ट कहती है कि 70% ऑलमोस्ट 67% म्यूचुअल फंड्स आर नॉट एबल टू बीट द मार्केट। निफ्टी 50 के सेम 50 शेयर्स में वो पैसे लगाए होते तो आपके पैसे उस 25,000 से बहुत कम होते। कैसे आपको अपना स्टेपिंग स्टोन एक मार्केट की तरफ आप रख सकते हैं? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं। वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टिंग भी करते हैं खुद से। और मैं इनसे ना पहले मिला था, इन्होंने मेरे को एक शेयर बताया था कि तू एक ये शेयर खरीद ले, ये आगे बढ़ने वाला है। लेकिन यार मैंने वो शेयर तो नहीं खरीदा इनके कहने पे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली थी कि अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो किसी के कहने पे मत जाओ, उससे आपका लॉस हो सकता है। बट मैंने उस शेयर को ट्रैक करना स्टार्ट किया, मैंने आगे जाके अपना एक पोर्टफोलियो भी बनाया था 10-15 हज़ार का। अब मैंने खुद के अकाउंट में तो बना नहीं सकता था, मैंने मम्मी के अकाउंट से बनाया था। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनकी वजह से मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर बाद में मैं भैया ने भी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, फिर मैंने वहाँ से सीखना स्टार्ट किया। बट जो इनिशियल स्टोन रखा था मेरी ट्रेडिंग जर्नी में वो ये भैया थे। मैं बात कर रहा हूँ परम डुमरा की। हाय भैया, हाउ आर यू? हाय विभू, हाउ आर यू? आई एम गुड भैया, आई एम गुड। सो पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के कहने पर कोई स्टॉक खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट इंटरेस्ट डेवलप करके उसमें समझ के फिर उसमें काम करना इज अ वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर थिंग। तो ये पॉडकास्ट भी इसी बारे में होने वाला है कि कैसे आपको अपना स्टेपिंग स्टोन एक मार्केट की तरफ आप रख सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे वो लेवरेज गेम हो। किस तरीके से आप किसी भी तरीके से मार्केट में, ऐसा ना मार्केट में बोला जाता है कि मछली भी है, फिश भी है, शार्क भी है, एंट्स भी है, श्रिम्प्स भी है। तो कहने का मतलब ये आप क्या खाने आए हो उससे डिफाइन होता है आप क्या चाहते हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो देन वहाँ शैक्स भी है, सी के पास शैक्स भी है। यू हैव टू डिफाइन कि आपको किस गेम में एंटर करना है। तो आज मैं मतलब बता देता हूँ कि ये पॉडकास्ट कहाँ जाने वाला है, आप यहाँ पे क्या सीख सकते हो। तो इस पॉडकास्ट का मेनली हमारा मोटिव है कि हाउ कैन यू इन्वेस्ट बेटर। आप ऐसे क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेटर हो जाए और सिक्योर हो जाए। बेटर तो ठीक है, बट सेफ होना चाहिए, हमारा पैसा कहीं खोना नहीं चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट से हम बस ये जान पाए कि हम बेटर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा परम भैया, पहले शॉर्ट में आप लोगों को ये बता दो कि आप काम क्या करते हो, क्या चीज करते हो आप। सो मैंने CFA लेवल 2 क्लियर किया हुआ है। ठीक है, आई एम एमिंग फॉर CFA लेवल 3। आई वेंट टू मार्केट्स फॉर 6-7 इयर्स नाउ। मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, FNO भी करता हूँ, इक्विटी भी करता हूँ, ऑप्शंस भी करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। मेरा मेन काम ही मार्केट से है। तो मैंने पढ़ाई भी मार्केट की करी है, मैंने ट्रेडिंग भी मार्केट में करी है, मैंने इन्वेस्टिंग भी मार्केट में करी है। अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन वेरी गुड फॉर मी। तो अभी यहाँ पे मेरा पहला सवाल आपसे है कि आजकल YouTube पे हर कोई कह रहा है कि भैया ETF में इन्वेस्ट कर लो, वो सेफ है, सिक्योर है और एक बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो क्या चीज है? चलो मैं आपके इस आंसर को अपने क्वेश्चन से आपको आंसर करता हूँ, मतलब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपका आंसर अपने आप को मिल जाएगा। तो एग्जांपल हम चलते हैं 25 साल पहले, आज 2024 खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 25 शुरू होने वाला है। हम चलते हैं 25 साल पहले जब निफ्टी का इजाद हुआ था, जब निफ्टी बनी थी तब निफ्टी की वैल्यू थी 1000 पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि फिनेस एंड फर्ब जैसा कोई बहुत स्मार्ट बंदा आ गया है, उन्होंने कोई ऐसी टाइम मशीन बना ली है जिसमें हम पीछे जा सकते हैं। हम टाइम मशीन में पीछे गए, निफ्टी के हमने स्टॉक्स देखे, सेम रेशियो में हमने निफ्टी के 50 स्टॉक्स खरीद लिए। ठीक है, उस टाइम के सेम रेशियो, उस टाइम के सेम रेशियो में एग्जैक्ट वही 50 स्टॉक्स हमने सेम रेशियो में खरीद लिए। अब हम क्या करते हैं, हम वेट नहीं करते, हम सीधा 25 साल आगे आ जाते हैं टाइम मशीन से वापस और हम देखते हैं कि आज क्या होता। एन एग्जाम्पल है कि आज निफ्टी की वैल्यू एग्जाम्पल 25,000 रुपए चल रही है, तो हमने 1,000 रुपए लगाए सेम रेशियो में निफ्टी 50 के, एंड 25 साल बाद निफ्टी 50 की वैल्यू 25,000 रुपए है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपके पैसे की वैल्यू 1,000 से 25,000 हो गई होगी, 25,000 से कम होगी, 25,000 से ज्यादा होगी, या क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? 25,000 हो गई होगी। एग्जैक्टली लोगों को लगता है कि 25,000 हो गई होगी। बट माई पॉइंट इज कि अगर आपने निफ्टी 50 के सेम 50 शेयर्स में वो पैसे लगाए होते तो आपके पैसे उस 25,000 से बहुत कम होते, ज्यादा नहीं होते, इक्वल नहीं होते, बहुत कम होते। अच्छा, अब ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव बात है कि भाई कम क्यों होते, मैं सोच रहा स्टॉक ज्यादा चलेंगे, निफ्टी 50 से भी ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो मिनिमम 25 तो होने ही चाहिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, 25 सालों से सिर्फ 3 ऐसे शेयर है जो निफ्टी 50 में रहे, बाकी सब चेंज हो चुके हैं। हाँ फिर ठीक है,
मतलब सिर्फ 3 शेयर निफ्टी 50 में रह गए और 47 शेयर उस पूरी लिस्ट में से चेंज हो चुकी है, और वो चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली एवरी 6 मंथ्स। अब वो 3 शेयर कौन से है आप कमेंट करके जरूर बताना, उससे क्या होगा हमसे पता चलेगा कि आप भी रिसर्च करना चाहते हैं, तभी आपको कुछ समझ आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ स्टॉक खरीद के रख रहे हो, बाय एंड होल्ड, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, सीजन इन्वेस्टर्स कहते हैं बाय होल्ड एंड स्लीप ओवर इट, भूल जाओ खरीद के, उससे आपके पैसे बनेंगे बट निफ्टी से ज्यादा बनेंगे या नहीं बनेंगे, दैट इज अ होल गेम, कि आपको उससे ज्यादा पैसे बनाने हैं। बट अगर आप स्टॉक खरीद के रखते हो 25 साल बाद आपके पैसे 25,000 से कम बनेंगे, क्योंकि जो निफ्टी में उस समय शेयर थे वो नीचे आ चुके हैं और जो नीचे के शेयर थे वो ऊपर आ चुके हैं, एंड कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो उस समय थी ही नहीं जो बाद में निफ्टी में इंट्रोड्यूस हुई, तो अगर आपने वही शेयर खरीदे होते तो आपके पैसे कम होते। ठीक है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ETF सही है कि नहीं, यही अगर मैंने 1,000 रुपए का ETF खरीदा होता निफ्टी 50 का, तो मेरे पैसे 25,000 होते, उससे कम होते या उससे ज्यादा होते? ETF थोड़ी थे। एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि हम पीछे जा रहे हैं टाइम में, वहां पे मैंने ETF खुद के बना लिए, ठीक है, उसको बाय कर लिया, इन सेम रेशियो में इक्वली बाय करता गया, जो हटता गया उसको हटाता गया, जो आता गया उसको ऐड करता गया, तो ज्यादा होते, और निफ्टी 25,000 से और ज्यादा होते क्योंकि वो कांस्टेंटली चेंज हो रहा है। 100% राइट, क्योंकि वो कांस्टेंटली चेंज हो रहा है, आपके 25,000 होते, साथ में जो स्टॉक्स का डिविडेंड आया है उसकी वजह से कंपाउंडिंग बेटर होती है, तो आपके 25,000 से कहीं ज्यादा पैसे बने, ठीक है। तो ये बात तो सही है, हमें इस सिनेरियो से ये समझ आ गया कि लंबे समय में मिनिमम 10 साल 20 साल तक अगर आप होल्ड करते हो तो ETF आर ऑलवेज बेटर देन स्टॉक्स, ठीक है। बट शुड यू बाय ETF, बात ये है, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ETF सही है। यार मैं एग्जांपल देता हूं, मैं 25 साल का हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मैं नहीं, आप एक पर्सन ए समझ लो, ठीक है, आप परम नहीं, आप विभू नहीं, पर्सन ए समझ लो, पर्सन ए कहता है कि यार मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरे को कोई खर्चा ही नहीं है, मेरे जितने पैसे आ रहे हैं, मेरे कोई जरूरी खर्चा भी नहीं कि मुझे कंपलसरी करना ही पड़ेगा। अब एग्जांपल मेरे पास 1,000 रुपए आ रहे हैं, मैं तो 1,000 के 1,000 लगा सकता हूँ मार्केट में, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, विलिंगनेस भी ज्यादा है, मैं विलिंग, आई एम एबल एंड विलिंग टू टेक रिस्क, ठीक है, मेरे पास एबिलिटी भी है और मैं चाहता भी हूँ रिस्क लेना, तो मैं स्टॉक खरीद सकता हूँ, उसको होल्ड भी कर सकता हूँ, और अगर उसमें रिटर्न ज्यादा बने तो मैं उसको सेल करके दूसरे स्टॉक में शिफ्ट भी कर सकता हूँ, स्विंग कर सकता, स्विंग ट्रेड कर सकता है। सो स्विंग ट्रेड यस, इन्वेस्टिंग फॉर 10 इयर्स एंड चेंजिंग माय थीम ऑफ इन्वेस्टिंग यस, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, एग्जांपल कि यार मेरे को ये पता कि मेरी जॉब कुछ और है, मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकता, बस मैं पैसे डालते जाऊं और पैसे बढ़ते रहे, बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा तो आई एम ओके, ठीक है, पर बहुत ज्यादा नीचे ना गिरे, या जब गिरे तो मुझे दग दग ना होता ना कि यार बहुत दग दग हो रही है, भाई क्या हो रहा है, नीचे गिर जाएगा, पैसे खत्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ETF खरीदे, एंड आपके लिए ये सेम काम एक प्रोफेशनल मैनेजर कर रहा है जो आपके ETF में स्टॉक ऐड करेगा या डिलीट करेगा डिपेंडिंग आपने कौन सा बेंचमार्क चूज किया, ठीक है। तो अगर आपको लंबे समय तक होल्ड करना है 15 साल 20 साल बिना दिमाग मारे और कम डर से, तो हाँ ETF सही है। अच्छा यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है कि अब लोग आजकल ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो आप वहाँ पे कुछ एक्सपेंस रेशियो देते हो, आप कुछ पैसे निकालते हो तो वहाँ पे कुछ पैसे कटते हैं, तो इसमें विच वन इज बेटर, ETF बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है, आप एक बार वो बताओ। तो यार पहले तो मैं नहीं कहता, ये डेटा की रिपोर्ट कहती है कि 70% ऑलमोस्ट 67% म्यूचुअल फंड्स आर नॉट एबल टू बीट द मार्केट, ठीक है। मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा के स्टॉक खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर करता है और वो पढ़ा लिखा प्रोफेशनल आदमी है जिसका पूरा दिन काम ये कि रिपोर्ट्स पढ़ना, रिपोर्ट्स के बारे में एनालाइज करना, कंपनीज को पढ़ना, कंपनीज के बारे में एनालाइज करना, कब खरीदना है, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, ये सब हर समय वो देखता है, ठीक है। अगर 70% 100 में से 70 लोग वो लोग काम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो 70% खराब है, प्रॉब्लम ये है कि मार्केट इतनी एफिशिएंट है कि वो 70% लोग मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे, निफ्टी के रिटर्न्स बीट नहीं कर पा रहे। तो एग्जांपल निफ्टी 12-13% अगर रिटर्न देती है साल के, तो वो किसी साल तो 20% रिटर्न देते हैं, किसी साल 8% रिटर्न देते हैं, एवरेज 12-13% रिटर्न नहीं दे पा रहे, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड खराब है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो बाकी 30% है वो एक्सेप्शनली वेल है, वो इतने बेटर है कि वो बाकी सबका, बाकी 70% जो खराब कर रहे हैं उनका भी परफॉर्मेंस बेटर कर देते हैं एवरेज अगर मिला ले तो, ठीक है। तो जैसे हम कैंपस प्लेसमेंट देखते हैं ना कि यह कैंपस प्लेसमेंट है कि इस बंदे की कैंपस प्लेसमेंट 9 करोड़ रुपए लगी और इस बंदे की 2 लाख रुपए लगी, तो वो एवरेज 4.5 करोड़ आ जाता है,
बट हमें पता कि 9 करोड़ और 2 लाख में कितना ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो सेम पॉइंट है कि वो जो बेटर कर रहे हैं वो इतना बेटर कर रहे हैं कि सारी इंडस्ट्री की एवरेज बेटर कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया जो बहुत ज्यादा बेटर कर रहा है, कर रहा था और करते जाएगा, तो फिर तो आपके ऐसे रिटर्न्स बनने वाले हैं एक्सपोनेंशियली बेटर और इतने ज्यादा जल्दी आपके पैसे ग्रो होने वाले हैं। मतलब जल्दी से मेरा मतलब है मिनिमम 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स इन इक्विटी मार्केट। तो अगर आपके पैसे उस समय पे ग्रो कर पा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आपने चूज किया, यू विल ऑलवेज स्टिक टू इट। बट आर यू दैट एक्सेप्शनली वेल कि आप 30% वो बेस्ट लॉट में से बेस्ट बंदे को चूज कर पाओगे? मैं वही क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा कि आप फाइंड कैसे करोगे अच्छा म्यूचुअल? मैं तो नहीं हूं इतना एक्सपर्ट। नहीं, हम म्यूचुअल फंड जितने सारे हैं उसमें कुछ तो एक होगा ना कि आप एग्जैक्टली आप कर सकते हो, ये देख सकते हो पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। बट क्योंकि इंडिया की मार्केट भी फेयरली न्यू है, 15-20 साल हुए हैं, तो इतना लंबा डेटा आपको मिलेगा ही नहीं। तो मैं तो अपने आपको कहता हूँ कि भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ETF बाय कर लेता हूँ, ठीक है। वो क्यों? मुझे रिटर्न कम चलेगा, एक्सपेंस रेशियो नहीं देनी पड़ेगी, AUM फीस बहुत कम है, ठीक है, एग्जिट लोड नहीं है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। सारी बातें हमने यूट्यूब पे हर जगह ऑलरेडी सुनी हुई है, इनको अगर छोटी छोटी वर्ड्स में हम डिकोड करके बताएं तो एक्सपेंस रेशियो हर रोज आपके अकाउंट से कट रहा है, ठीक है। सो एग्जांपल, अगर हर रोज कट रहा है, दैट इज द होल पॉइंट। हर रोज थोड़ी कटता है, जब एवरी डे कटता है तब कटता है ना? नो, एवरी डे कटता है। तो लेट मी टेल यू दिस बाय एन एग्जांपल कि आपने अगर मार्केट में 100 रुपए लगाए, ठीक है, और आपका एक्सपेंस रेशियो 4% है, वैसे 4% नहीं होता, ठीक है, 0.04% होता है, मैं कह रहा हूं 4% कैलकुलेशन इसे करने के लिए एग्जांपल, या ठीक है, तो 4% है वो साल के बनते हैं 4 रुपए 100 रुपए लगाने पे। तो वो 4 रुपए डिवाइडेड बाय जितने ट्रेडिंग डेज ओपन होगी मार्केट, उतने पैसे आपके AUM से रोज कटेंगे। मतलब अगर एग्जांपल 10% है आपकी फीस, एक्सपेंस रेशियो 10% है, तो वो 10 रुपए हो गया 100 रुपए पे। तो वो 10 रुपए डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ डेज है, एग्जांपल 10 ही ट्रेडिंग डेज है पूरे साल में, तो वो 1 रुपए रोज कटता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो सिर्फ देखना नहीं, उसको समझना भी इम्पोर्टेंट है। आज आपका पोर्टफोलियो अगर परफॉर्म नहीं किया तो 99 रुपए रह गए, ठीक है, कल परफॉर्म नहीं किया तो 98 रह गए। अगर आपके थर्ड डे 3 रुपए बढ़ गए, 97-98 से 101 रुपए हो गए, तो एक्सपेंस रेशियो तब भी वो 1 रुपए जरूर काटेगा, वापस 100 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 दिनों में आपने कुछ कमाया नहीं कमाया, पोर्टफोलियो मैनेजर ने 3 रुपए जरूर कमा लिए। पहले मेरे को लगता था कि एक्सपेंस रेशियो वो है कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो पहले ही कट गए, फिर उस हिसाब से वो ट्रेड लेगा, जब हम काटेंगे तो उसकी फीस हो गई वो, मतलब वन टाइम चार्ज मेरे को लगता था। तो ये भी होता है चार्ज म्यूचुअल फंड्स में जो पहले होता था, अब नहीं है, या वन टाइम चार्ज, हाँ, बहुत कम म्यूचुअल फंड में। इसको हम कहते हैं एंट्री लोड। एंटर करते टाइम पे आपको जो पैसे देने हैं, ये मोस्टली क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में होता है। अब क्लोज एंडेड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। बट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता है कि आप पैसे डाल रहे हो, तो आपने एग्जांपल अगर 4% उसका एंट्री लोड है, तो 100 रुपए डाले तो वो आपके पैसे 96 ही मानेगा, 4 रुपए उसकी जेब में जाएंगे एंड 96 वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जांपल यही ले लेते हैं हम, 4% आपने 100 रुपए डाले, तो जिस समय आप एग्जिट करेंगे, जिस समय आप बेचेंगे अपने स्टॉक्स को, उस समय 4 रुपए कट के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है एंट्री लोड, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो। ETF में ये एक्सपेंस रेशियो इतनी ज्यादा कम है कि आपके पोर्टफोलियो पे कोई मैटर ही नहीं करती, ठीक है। वो भी कौन सी ETF में, ETF भी बहुत सारे रिस्की आते हैं, ETF भी ऐसे हैं जिसमें आपके पैसे खत्म हो सकते हैं, ठीक है। एक मिसकंसेप्शन है ये बाय द वे कि ETF में पैसे जीरो नहीं होते, बिल्कुल हो सकते हैं, स्टॉक्स तो डाउन जा ही सकते हैं ना, एग्जैक्टली। जिस चीज पे वो बना है ETF, अगर वो ETF किसी ऐसी कंपनी पे बना है, ऐसे बेंचमार्क पे बना है जो इन इटसेल्फ ही बहुत रिस्की है, और अगर वो बेंचमार्क ही जीरो हो गया तो ETF 100% जीरो होगा। जीरो तो नहीं, बट फिर भी कुछ तो चांसेस है कि वो बच जाएगा, एकदम ही रद्दी कंपनी, बिल्कुल कंपनी बैंकक्रप्ट होगी, बिल्कुल। सो आई टेल यू, बट सारी थोड़ी हो जाएंगी बैंकक्रप्ट, नो, सो आई टेल यू बाय दिस एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईवी का कोई ETF बना, ठीक है, जितनी भी ईवी कंपनीज है उस पर हम एक ETF बना देते, ठीक है। तो आपको पता है कि ईवी कंपनीज आगे आने वाले समय में चलने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने वाले हैं, ऑब्वियसली जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल डीजल जिससे हम बनते हैं, वो खत्म होने वाले हैं, ईवी की तरफ हम चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी, हो रहे हैं, बट मेरे को ईवीज बेटर ऑप्शन लगते नहीं है, बट एनीवेज, ठीक है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। तो अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन ले आई, फॉर एग्जांपल आज ईवी से चल रही है, आज इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है व्हीकल्स, कल को कोई हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूल आ गया जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, या कोई वाटर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूल आ गया, या कोई वाटर पावर्ड इंजन आ गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा अच्छा हमारे को पड़ेगा वाटर। उससे क्या होगा, जिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सिर्फ ईवी में आज के दिन पैसा लगा रही हैं, हो सकता है वो सारी जीरो हो जाए,
एंड उसके बेस पे जो ETF बना था वो भी जीरो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा EV जीरो हो जाएगा, ये जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर उसका अंडरलाइन जीरो हो रहा है तो वो ETF भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ETF डिपेंड करता है कि उसका अंडरलाइन क्या है। अगर निफ्टी 50 का ETF है तो वो सिर्फ तब डूबेगा जब निफ्टी 50 जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब देश उसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। तो दैट इज द होल पॉइंट कि अगर देश ही डूब गया यार, 50 कंपनी स्टॉक की जो 95% मार्केट कंट्रोल करती है, अगर वही डूब गया तो अपने पैसों को क्या करोगे, वैसी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग कौन सा ETF है, कितने समय के लिए आपने बाय किया है, वो चलता रहेगा, ठीक है। अब ये सारी बातों का कोई फायदा नहीं है अगर अभी तक आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है। अब डीमैट अकाउंट चाहिए किस लिए होता है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है, आपको कुछ भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। अगर आपको डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कराना है तो उसका लिंक जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और पिन कॉमेंट में दे दिया है। अगर आपको मार्केट से कोई भी काम नहीं है, आपका कोई भी आपको भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन आप फिर भी आप अगर आप डीमैट अकाउंट आप किसी को रेफर करते हो तो आप उसके थ्रू भी रेफर अर्न के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हो। तो उसका लिंक मैंने दे दिया, आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं। अब एक होगी कि आप बेटर इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो, वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आप मतलब ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। 70% इंडियन मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो एल्गो करता है। बहुत बहुत मुश्किल ये बात है कि इन्वेस्टिंग पे एक्स्ट्रा रिटर्न्स हमारे को चाहिए। गवर्नमेंट आपको हाथों हाथ पैसे देने के लिए रेडी बैठी है। मेरे मामा के चाचा के पापा के फूफा ने पैसे गवाए थे, तू मत कर बेटा तेरे लिए सही नहीं है।